तो देखते हैं भाई कि रियल क्रिकेट 22 आया कि नहीं। RELCRICKET ऑलरेडी ऑटो करेक्ट में आ जाता है, इतनी बार सर्च कर चुके हैं। बट बैड न्यूज़ ये है कि आज भी कोई न्यूज़ नहीं है, एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं मालूम अभी कि रियल क्रिकेट 22 कब आएगा। बट एक गुड न्यूज़ भी है, एक बैड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ पहले बता देता हूँ, गुड न्यूज़ है ये वीडियो, ये ट्वीट, और बैड न्यूज़ भी एक ट्वीट है। पर अभी के लिए ये ट्वीट में आप देख सकते हैं कि RC22 के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने बाहर के लोगों को, ऑफिस के अलावा जो लोग हैं जिन्होंने रियल क्रिकेट चैंपियनशिप जीती थी, उन लोगों को भी RC22 का अर्ली एक्सेस दिया है, थोड़ी देर के लिए प्रीव्यू करने के लिए, एक बार ट्राई करने के लिए, एक हैंड्स ऑन दिया है कह सकते हो आप, तो मौका मिला था उनको खेलने का। वो उन लोगों ने क्या खेला उनका रिव्यू अभी बाहर नहीं आया है, बट उन लोगों को खेलने का मौका मिला था। बैड न्यूज़ भी है वो, आप ये ट्वीट देखो, क्या वाला है किसी को नहीं मालूम। क्या RC20 से 22 एक नई गेम होगी, या फिर RC20 को अपडेट करके 22 बनाया जाएगा। जब RC20 था तब नॉटिलस मोबाइल अकेले काम करता था इस गेम पे, अब जेट सिंथेसिस भी काम करता है। तो अगर ये गेम, मैं दो केस हो सकते हैं, एक नया, एक तो ये हो सकता है कि भाई ये गेम नया गेम होगा तब तो चलो ठीक है, बट अगर ये पुराना गेम ही अपडेट होकर 22 बनेगा तो बैड न्यूज़ ये है कि भाई आप देख सकते थे एक महीने का शेड्यूल RC20 का आ चुका है, मतलब कि ये जून महीना में RC22 नहीं आने वाला, हमको वेट करना होगा जुलाई का, इंतज़ार हमारा लंबा होने वाला है। ठीक है यार, अभी हम चलते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं हमारे WCC3 के कुछ प्लस पॉइंट्स, और हम चाहेंगे कि RC22 में वो फीचर्स देखने को मिले। भाई देखो, अभी क्या है ना कि WCC3 नया गेम है, RC20 पुराना गेम है। RC22 आएगा तो डेफिनेटली चांस है कि ये जो RC20, RC और WCC की जो रेस है ना, उसमें RC सीरीज थोड़ा सा आगे निकल सकती है। बट अगर उन्होंने RC20 का ही फॉर्मूला अपनाया, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस किए, तो पीछे रह जाएगी, या फिर एक बार मैच इन दोनों का बराबर रह जाएगा। तो देखते हैं वो पांच पॉइंट, टॉप फाइव पॉइंट्स मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है कि अगर WCC3 में से या WCC में से इंस्पायर होकर RC में आते हैं तो फायदा RC को ही होगा, रियल क्रिकेट 22 को ही होगा। पॉइंट नंबर एक वो है बेटर टीम मैनेजमेंट। WCC3 कंपेरिजन टू RC20, RC20 में कहीं कुछ टीम मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ तक कि आप जब एक मैच खेल रहे होते हो ना, अपना कैप्टन, वाइस कैप्टन, विकेट कीपर तक नहीं चुन सकते। ये तो 2020 की जब गेम लॉन्च हुई थी तब भी काफ़ी शॉकिंग था, वहीं कंपेरिजन टू WCC3 आप देखते हो तो आप अपना खुद का रेस्ट ऑफ स्क्वाड बना सकते हो, जिन प्लेयर ने आराम किया है उनको उनको वापस से ला सकते हो, जो थक गए उनका स्टेमिना मैनेज कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो, राइटी को लेफ्टी बना सकते हो, लेफ्टी को राइटी बना सकते हो। कस्टमाइजेशन अलग ही है, अलग ही चीज़ है, उसको हम बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जर्सी के नंबर्स चेंज कर सकते हो, कैप्टन, विकेट कीपर, ये सब चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। तो सुनने में बहुत ऐसा लगता है कि सामान्य चीज़ें हैं, लेकिन जब आप खेलोगे ना गेम, और आप एक दो गेम खेलने वाले तो चलता है, बट कोई गेम अगर आप एक साल तक खेलने वाले हो तो ये सारी चीज़ें बहुत बुरी तरीके से मिसिंग होती। तो ये मेरा पहला ऑप्शन है, अगर डेवलपर्स देख रहे हैं तो ये पहली चीज़ें जो आई थिंक उन्हें WCC से इंस्पायर होकर ऐड करनी चाहिए। अगला फीचर भी थोड़ा बहुत स्क्वाड से रिलेटेड ही है, प्लेयर से रिलेटेड है, मैं बात कर रहा हूँ प्लेयर कस्टमाइजेशन की। क्रिकेट 22 नो डाउट PC का गेम है, भाई बहुत ज़्यादा हो गया यार, उसमें तो कहाँ ऑप्शंस, आप 40 GB की गेम को कहाँ आप 1 GB की गेम से कम साइज़ से कंपेयर करोगे। बट WCC3 हमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देता है, आईब्रो से लेके, आँख से लेके, बाल से लेकर, चेहरे के स्किन के कलर से लेकर, लगभग अच्छे खासे फीचर्स आपको मिलते हैं, बट RC20 में ऐसा कोई फीचर नहीं है। और ये एक फीचर है जो आपकी क्रिकेट गेम को एक बहुत तगड़े लेवल पे कस्टमाइजेशन देता है, एक अपना सा फील देता है। जब आप अपना कोई प्लेयर बनाते हो, या फिर विराट कोहली स्क्रीन पे बैटिंग कर रहा है, वो विराट कोहली जैसा लगता है, अलग ही फीलिंग आती है। जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहा है, भले एक्शन आपने कर दिया, लेकिन जब चेहरा जाता है तो मालूम पड़ता है अरे भाई ये तो अश्विन का चेहरा लगा दिया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट साबित होती हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये सेकंड सजेशन है कि WCC में से जो प्लेयर कस्टमाइजेशन है उससे इंस्पायर होगा, RC22 में ये फीचर आना चाहिए। अगली चीज़ जो WCC3 में बहुत सॉलिड है वो है आप फील्डिंग पोजीशंस कहीं भी लगा सकते हो। तो आई थिंक कह सकते हो तीसरा मेरा सजेशन आज फील्डिंग से रिलेटेड होगा कि डेवलपर्स को अलाउ करना चाहिए RC22 में कि मैदान के किसी भी कोने में, मेरी इच्छा है मुझे 30 yard और डीप के बीच में फील्डर रखना है, मैं रखना चाहता हूँ, मुझे रखने का पावर होना चाहिए, RC20 में ये ऑप्शन नहीं है। इसमें पॉइंट्स दिए गए होते हैं, उसी पॉइंट्स पर रख सकते हो, और ये बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर देता है आपको। अगर आप गेम का नाम ही रियल क्रिकेट है और उसमें आप फील्डर ही नहीं रख सकते,
तो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो WCC3 के पास ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था गेम प्ले में अभी भी है, क्योंकि फील्डिंग में आप कहीं भी प्लेयर रख सकते हो। उम्मीद करता हूँ RC22 इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा और आपको देखने को मिलेगा कहीं भी फील्डिंग सेटअप आप मैदान में अपने हिसाब से लगा सकते हो। ऑप्शन 4, थोड़ा सा पैसे वाली बात आ जा रही है यहाँ पर भाई। RC20 के अंदर जो मॉडल है ना, मॉडल मतलब कि पेमेंट के जो मॉडल्स हैं, आपको 1200-1300 का एक कार्ड मिलता है, डिस्काउंट में 700-800 का एक कार्ड मिलता है। वहीं अगर आप WCC3 का मॉडल देखते हो जहाँ पर एक जर्सी 250 की अगर मिलती है तो आप डिस्काउंट में 90 रुपीज़ में ले सकते हो और अच्छी खासी डिज़ाइन है तो भी इसके बावजूद भी। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है RC20 के अंदर जितने भी गेम मोड्स हैं। मेरी सोच है, हो सकता है आपकी सोच ना हो, हाँ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो पेमेंट वाली बात हो रही है सही या गलत है, या फिर हो सकता है मुझे लग रहा हो, बट RC20 में बहुत ही अजीब तरीके के प्राइसिंग रखे जाते हैं और सेम कीमत में रियल लाइफ में कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। और दूसरी बात, Cricket 22 जो कि जैसा कि डेवलपर कह रहे हैं कि बेस्ट गेम है क्रिकेट का, फीचर्स अनलिमिटेड है, 3000 में वो आपको गेम मिल जाता है, चलो 4000 में कंसोल पे मिल जाता है। अगर आप वही सेम मनी RC20 में खर्च करते हो तो शायद आपको 5 या 6-7 कार्ड मिलेंगे रैंडमली, टी शर्ट शायद मिल जाएंगी आपको कुछ, बट आपको फिर भी बहुत सारी चीज़ें कमी रह जाएंगी। गेम मोड्स भी सारे ओपन आप करने जाओगे तो अच्छा खासा रुपया लग जाता है, कंपेरिजन टू WCC3 में कह रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। उम्मीद करता हूँ कि RC22 जब आएगा तो उसके अंदर जो कीमत होगी मोड्स की, या फिर आप कह सकते हो कि यूनिफॉर्म्स की या टी शर्ट्स की या जो भी होगा उनका सिस्टम, वो फ्रीमियम होगा, चलेगा और फ्रीमियम ही होने वाला है, सबको मालूम है। प्रीमियम मतलब गेम फ्री होगा बट उसके अंदर बहुत सारे पेमेंट आपको करने पड़ेंगे सारा एक्सपीरियंस करने के लिए। साथ ही साथ WCC3 में एक बात है कि WCC3 में आप बहुत सारे गेम मोड्स हैं, मतलब मोस्टली सारे गेम मोड्स जो हैं वो आप प्लेटिनम से भी अनलॉक करा सकते हो, तो अच्छे खासे मोड्स आपको मिल जाते हैं। बट RC20 में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, अधिकतर गेम मोड्स जो हैं वो प्राइस पैसे के पीछे रह जाते हैं। तो RC22 उम्मीद करता हूँ कि आपको, हम लोगों को ऐसे ऑप्शन देगा जहाँ पे हम उस गेम को खेल सकें विदाउट पेइंग मच मनी। या तो फिर प्राइस वाला फैक्टर सही कर दो, या तो फिर भाई आप जो आपकी करेंसी होगी, जो इन गेम अर्न होगा, उससे अनलॉक करने का ऑप्शन दो। तो ये मेरा एक चौथा सजेशन है जो मुझे लगता है WCC3 में बहुत अच्छा है कंपेरिजन टू RC सीरीज में। पांचवा सजेशन भी थोड़ा बहुत मिक्स है, सजेशन से मिक्स है। बीच में मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे दोनों नॉटिलस और नेक्स्ट वेव में वॉर चल रहा था, कमेंट्री वॉर, नो डाउट अभी लीड जो है वो नेक्स्ट वेव के पास है। WCC3 में आपको आई थिंक 6 या 7 लैंग्वेजेस के कमेंट्री मिलती है। RC20 इस मामले में थोड़ा सा पीछे रह गया है। RC22 के पास मौका है उसे कमबैक करने का। इंडिया जैसे देश में अगर गेम बन रहा है और अगर आप मोस्टली कोशिश कर रहे हैं वो इंडियन टारगेट को, कहीं ना कहीं इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको भाई लैंग्वेजेस के थोड़े बहुत और ऐड करने चाहिए, ताकि वही अपनेपन वाली बात आ जाती है। रियल क्रिकेट 20 अगर आप उर्दू में सुन रहे हो, तमिल में सुन रहे हो, तेलुगु में सुन रहे हो, गुजराती में सुन रहे हो, तो अलग ही मज़ा आएगा। तो ये एक सजेशन आता है। और इसी के साथ साथ वुमेन क्रिकेट आपने कमेंट्री में तो डाल दिया वुमेन और वॉइस, बट वुमेन क्रिकेट इज़ मिसिंग रियल क्रिकेट में से। उम्मीद करते हैं RC22 में हमारी ये चीज़ पूरी हो जाएगी। और ये जितनी चीज़ें मैंने कही हैं ये सारी WCC सीरीज़ में WCC3 के पास एक प्लस पॉइंट हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होती RC22 में तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा बहुत मात खा जाएगा, या फिर कोई जब रिव्यू करने बैठेगा दोनों का तो प्लस पॉइंट WCC को दे देगा कंपेरिजन टू RC22, जिसके बनने में आई थिंक 1.5 साल के ऊपर लग गया, या पता नहीं अभी रिलीज डेट भी बिल्कुल नहीं पता। कई लोग कह रहे हैं 15 तक आ रही है, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि डेवलपर ने भी ट्वीट किया था कि एक जो विनर बने थे रियल क्रिकेट चैंपियनशिप का ई स्पोर्ट्स इवेंट के, उनको खेलने का मौका दिया गया, उनके रिव्यू लिए गए, बट गेम कब रिलीज़ होगा इसका कुछ भी आइडिया नहीं है। तो अभी भी पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है और कब आएगी गेम, बट अगर ये 5 सजेशन WCC में से लेता है RC22 तो डेफिनेटली RC20 से तो बेहतर ही होने वाला है गेम। बोनस सजेशन रह गया, एक्चुअली बोनस नहीं था, पहले टॉप 5 में था बट याद आ रहा है मुझे। तो बोनस सजेशन में मैं ये कहूँगा कि भाई ग्राफिक्स RC20 के जो मोशंस हैं, आई थिंक उस वक्त शायद मोशन कैप्चर यूज़ नहीं किया होगा, बट बहुत ज़्यादा दिक्कत वाले लगते हैं कंपेरिजन टू WCC3। WCC3 के अंदर जो मूवमेंट है प्लेयर्स की, जो रनिंग है, जो बॉडी एक्शन है, जो थ्रो एक्शन है, जो कैच एक्शन है, वो काफ़ी सही है, काफ़ी बढ़िया है। तो ये भी एक सजेशन है RC22 के लिए कि अगर WCC की तरह वो एक्शंस रखते हैं, मतलब उनसे इंस्पायर होकर, उनके जैसा तो नहीं, उनसे अच्छा ही रखें तो अच्छी बात है, उनकी तरह जो स्पेशली जो मूवमेंट है प्लेयर्स का, जो मूवमेंट है, जो ग्राफिक्स है, वो अगर इंस्पायर करते हैं
तो आई थिंक प्लस पॉइंट साबित होगा रियल क्रिकेट 22 के लिए। तो बस भाई आज के वीडियो में इतना ही था। आपके पास आपके टॉप 5 सजेशन क्या है, क्या मैं कोई टॉपिक मिस कर गया जो WCC 3 में बेहतर है बट RC20 में कम था, तो कमेंट करके बताना, मैं उसको कमेंट सेक्शन में भाई पिन करने की कोशिश करूँगा या फिर ऐड करने की कोशिश करूँगा कमेंट सेक्शन में, ताकि डेवलपर अगर इस वीडियो पे आते हैं और तो वो इंस्पिरेशन ले लें आपके कमेंट से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रीम में। ध्यान रखिए, लाइक कर देना यार वीडियो को। बाकी लाइव स्ट्रीम का शेड्यूल अभी डिसाइड नहीं है। एक चीज़ कंफर्म है कि 8 तारीख को हमारा इंडिया और साउथ अफ्रीका का T20 आएगा चैनल पे। बाकी उसके पहले किस तरह से आएगा स्ट्रीम वो अभी एग्जैक्ट डिसाइड नहीं हो रहा। डिस्कॉर्ड इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपडेट आपको दे दूंगा। बाकी ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा, गुड।